कि वो वृंदावन गए थे और गलती से उनके पांव के नीचे एक कोई छोटा कीड़ा आ गया और उसकी मृत्यु हो गई। अब उनका भाव है, एक महीना से हम बड़े परेशान हैं, क्या करें। वृंदावन में देखो, जानबूझ करके तो नहीं किया ना आपने, गलती से हुआ तो इसमें कोई अपराध नहीं बनेगा, लेकिन बार बार आपके चित्त को यदि ये लगता है कि हम क्या करें, ऐसा हमसे हो गया, तो अब की बार वृंदावन जब जाओ तब एक या फिर पांच या फिर ग्यारह, जितनी आपकी श्रद्धा हो उतने संतों को उनके निमित्त प्रसाद पवा देना। और फिर ऐसे अगर आप वैसे तो देखो ऐसा विचार करके रहोगे तो फिर उछल उछल के चलो वृंदावन में, कहीं चेंटी भी आ जाए तो उछल जाओ, दृष्टिपूतम निषेत पादम। तो इस पर ज्यादा संकोच नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आपका मन यदि व्यथित हो रहा है कि हमसे ऐसा हो गया, अब हम क्या करें, तो वृंदावन जाकर के वहां के ब्रजवासी हो, ब्रजवासी ब्राह्मण हो या कोई संत हो, महापुरुष हो, किसी को भी प्रसाद पवाना और प्रसाद पवा करके क्षमा याचना कर लेना, बस यही है भाव। फिर किन्हीं का ऐसा प्रश्न है कि आजकल धर्म में एक चीज होती है कि लोगों पर देवी देवता आ जाते हैं, महाराज जी इसके बारे में थोड़ा बताओ। और आपका तर्क एक बहुत अच्छा है, आप ये कह रहे हैं कि महाराज जी जो हिमालय पर हजार हजार वर्ष तपस्या करते हैं, अब हजार वर्ष तो सतयुग त्रेता द्वापर में होती थी, पर कलयुग में भी कई लोग ऐसे हैं जो हिमालय में रहते हैं, इतना तप करते हैं, भोजन छोड़ देते हैं, व्रत नियम का पालन करते, उन पे तो देवता आते नहीं। और ग्रह गृहस्थियों में उल्टा सीधा खाने पीने वाले, सब प्रकार के व्यंजनों में रहने वाले, सब प्रकार की स्थितियों में आने जाने वाले, संसार के भोग विलासों में रहने वाले, उन पे बहुत जल्दी भगवान आ जाते हैं। और ये नवरात्रि के समय तो अच्छा, सबसे पहले नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप समस्त वैष्णव जनों को, मंगल पावन नौ दिवस के ये मंगल नवरात्रि का दिवस है, उसकी बहुत बहुत मंगल कामना। नवरात्रि में तो होता है जागरण आदि होते हैं, जगराता होते हैं, तो महाराज किसी में देवी आ गए, किसी में गण आ गए। हम तो इस बात को कहते हैं, लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं, फिर हमारा विरोध करते हैं कि महाराज जी ऐसा बोल रहे हैं व्यास मंच से। देवी देवताओं को हम ही मिले आने के लिए। और दूसरी बात, भगवान केवल आपके और मेरे नहीं है, ये आठ अरब तो केवल मानवों की जनसंख्या है। जलचर जीव कितने हैं, आकाश में उड़ने वाले पक्षी कितने हैं, वन में कितने पशु हैं, ठाकुर जी सबके हैं। और इतने खरबों अरबों जनमानस में, और ये भी एकाध जनमानस नहीं है, भगवान के एक रोए कूप में हमारी पृथ्वी जैसे करोड़ों पृथ्वियां हैं, हमको पता ही नहीं है उनके बारे में, और ठाकुर जी सबके हैं। उसमें भी मुझ पे भगवान आ गए, मुझ पे देवी देवता आ गए, मैं इतना पवित्र हूं। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, भगवान श्री दत्तात्रेय जी का चरित्र आता है भागवत में, हमने एक महीना की कथा की थी कहां, नासिक में। और जब नासिक में एक महीना की कथा हुई, बहुत ध्यान पूर्वक और सब लोग बिल्कुल सावधानी से कथा में बैठे, तो नासिक में जब एक महीना की कथा हुई, तो उस एक महीना की कथा में हमने हर दिन दत्तात्रेय जी के एक गुरु के विषय में कुछ कहा। दत्तात्रेय जी के एक गुरु हैं भृंगी कीट। भृंगी कीट एक कीड़ा होता है, और वो कीड़ा क्या करता है, वो दूसरे छोटे छोटे कीड़ों को पकड़ के ले जाता है और अपने बिल में उनको रख देता है, और फिर भृंगी कीट कीड़ा उन छोटे कीड़ाओं को इतना डराता है, इतना डराता है, इतना डराता है कि 24 घंटा उसको देखते 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 वो छोटे छोटे कीड़े भृंगी कीट ही बन जाते हैं, उसका दर्शन करते करते वो भृंगी कीट बन जाते हैं। भृंगी कीट ऐसे ही अपना वंश आगे बढ़ाता है, कीड़ों को पकड़ करके अपने बिल में डाल के अपना रौद्र रूप दिखा के उनको भयभीत करके 24 घंटा उनके सामने घूमते 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 उन कीड़ों को और कुछ सोचने ही नहीं देता। सोचते 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 वो कीड़े भी भृंगी कीट बन जाते हैं, उनको लगता है कि हम भी इसी की तरह हैं।
ऐसा ही हम आप सबके साथ कभी कभी होता है। हम जिसको बहुत चिंतन करते हैं या जिसके जिसको देखते रहते हैं, जिसके पास जाते हैं, जिसके पास बैठते हैं, कभी कभी साइकोलॉजिकली हमारा दिमाग जो है उसकी चीजें कैप्चर कर करके हमको उसके जैसा बनाता है। नवरात्रि में व्रत रखते हैं, 9 दिन 9 देवियों की पूजा करते हैं, फिर जगराता में जाते हैं, आदि आदि इन सब भावों में रहते हैं, तो हमारे माइंड को और कुछ सोचने को मिला ही नहीं, उसी चीज में रहते 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 फिर ऐसा भाव प्रकट कर देता है कि मुझ में ही देवी आ गई हैं, मुझ में ही देवता आ गए हैं। और भैया आते भी होंगे ना, तो हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा बात, गण जरूर आ जाते होंगे, देवी देवता नहीं आते होंगे। हर देवी के करोड़ों करोड़ों गण रहते हैं साथ में, वो जरूर आ जाते होंगे कभी, और उनका आना कोई उसकी विशेषता ऐसी नहीं है, इसलिए इन विषयों में ज्यादा ना जाया जाए। फिर एक बार मैंने ये विषय कहीं कथा में कहा था तो लोगों ने वो वीडियो डाल के बहुत वायरल की, तो फिर मुझसे किसी हिमाचल के व्यक्ति ने, उत्तराखंड के व्यक्ति ने कहा आप हमारे यहाँ आकर के देखिए, हमारे यहाँ देवी आती हैं, हमारे यहाँ देवता आते हैं। पर वहां देवी देवता किसी मानव में नहीं आते हैं, वे देवी का स्वरूप धारण करके, हिमाचल में मैंने दर्शन किया है, वहां देवी का स्वरूप बना करके पालकी लेके जाते हैं, फिर वो पालकी में जो विराजमान स्वरूप है उसमें ऐसा आवेश आता है कि वो बिना किसी को उठाए ही घूमने लगती हैं, आदि आदि ऐसा होता है। तो ऐसे कुछ तत्व कुछ भाव तो होते हैं, पर हम मानव इतने शुद्ध नहीं कि हमारे ऊपर देवी देवता आए, इसलिए इस बात में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। फिर किसी का प्रश्न है कि भक्ति पथ पर चलते चलते बीच बीच में आपका रुचि या मोह कम हो रहा है विश्व के प्रति, अब पता नहीं यही लिखा है शायद, सांसारिक जगह में ध्यान भंग हो रहा है, तो उसको कैसे एकाग्रत करें। मतलब अब इनका प्रश्न ये है कि भक्ति पथ पर चलते चलते संसार से अगर ध्यान भंग हो रहा है तो क्या करें। तो भाई संसार से तो ध्यान भंग होगा ही, संसार तो छूटेगा ही, अब आप चाहते हैं कि संसार भी रहे और भक्ति भी रहे, तो एक म्यान में दो तलवार कैसे रहेंगे, एक ही के रह पाओगे। और जो दोनों पे रह लेते हैं ना, कई लोग बड़े वर्सेटाइल होते हैं, वो संसारी भावों में भी रह लेते हैं और भक्ति भाव में भी रह लेते हैं, गिरेंगे एक दिन, दो घोड़े पे पैर धर के दौड़ोगे तो एक दिन गिर जाओगे, इसलिए एक ही के रहो। हाँ ये जरूर कर सकते हो कि आप मानसिक भाव से आध्यात्मिक रहो और बाह्य भाव से संसारी रहो, एक नाटक आडंबर जैसा कर दो संसारी होने का, वो तो संभव है। जैसे अभी हम उल्टा करते हैं, हम क्या करते हैं, हम हैं तो संसारी पर दिखाते कैसे हैं कि हम वैष्णव हैं, हम भक्त हैं, हम ठाकुर जी के, हम बड़े पवित्र हैं, हम बड़े शुद्ध हैं, हमारा मन बड़ा पवित्र है, पर हैं बड़े संसारी। इसका विपरीत होना चाहिए, वास्तविकता में कैसे रहो, बोले परम वैष्णव रहो, पर दिखाओ कैसा कि आप तो महासंसारी हो, दिखाओ संसारी रहो वैष्णव। उल्टा करते हैं हम, रहते संसारी हैं दिखाते वैष्णव हैं, वो गलत है। रावण राक्षस है पर संत बनकर के आया सीता जी का हरण करने, इसीलिए तो उसको मारा राम जी ने। इसलिए संसार यदि छूट रहा है तो भैया ये तो होगा, आप दोनों नहीं संभाल सकते। बस हाँ ये है कि कर्तव्यों को पूर्ण करना है, वो तो आपको आध्यात्मिक स्थिति विवेक प्रदान करेगी, उसी से ही आपका संभव हो पाएगा कर्तव्य निवृत्ति। अगर हम बिना दीक्षा लिए वैष्णव तिलक उर्दपुंड लगाते हैं तो क्या लाल जी के प्रति आडंबर है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम इसका उत्तर दे चुके हैं। आप एक स्वरूप तिलक धारण कर सकते हो, दीक्षा के बाद गुरु प्रदत्त जो तिलक स्वरूप है वो धारण करो। फिर आपका अगला भाव क्या है? जब परिवार के सदस्य हमसे पूछते हैं कि तुम लोग ये तिलक या तुलसी माला क्यों धारण करते हो और किस लिए धारण करते हो, तब हम उनसे कहते हैं कि हम तुलसी माला और तिलक लाल जी को प्रसन्न करने के लिए धारण करते हैं, तो वह हमसे कहते हैं कि ये तो आडंबर है, बोलने दो। देखो एक मेरी बात सुनना,
एक व्यसनी व्यक्ति को देखो, व्यसनी व्यक्ति धुआं उड़ाता है, मदिरा पान करता है, दुनिया भर के उल्टी सीधे काम करता है, मुर्गा खा जाता है, जाने क्या क्या करता है। लोग उसको समझाते हैं कि नहीं, ए भाई ये गलत है, ये मत किया करो, ये मत किया, इससे ये होता है, इससे ये होता है, इससे ये होता है, ऐसा ऐसा सब समझाते हैं। क्या करता है, एक कान से सुनता है दूसरे से निकालता, व्यसन कभी नहीं छोड़ता। ऐसे ही भक्त को होना चाहिए। आपकी वैष्णव भक्ति पर कोई प्रश्न चिन्ह उठाए तो एक कान से चुनो दूसरे से नकारो, बोलो ठीक है भैया नहीं करेंगे, लेकिन करो, उससे इतने चिंतित क्यों होते हो। देखो ये बात हम नहीं कह रहे हैं, स्वयं ध्रुव जी महाराज भागवत जी में कहते हैं कि भक्ति कैसी करो, बोले एक व्यसनी व्यक्ति की तरह करो। मैं एवं बेभोर नहीं, ये श्लोक नहीं, ये तो गोपियों का है। मैं अभी सुनाता हूं, वही श्लोक सुनाता हूं जो श्री ध्रुव जी महाराज भागवत जी में कहते हैं। ठाकुर जी से निवेदन करते हुए श्री ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं, हे नाथ, भक्ति मुह प्रवहताम त्वयि मे प्रसंगो, भूयादनंत महताम ममलाशयानाम, भक्ता भजस्व दुर्वाग्रह त्यजास्मान, देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। भक्ति मुह प्रवहताम त्वयि मे प्रसंगो, भूयाद अनंत महता ममलाशयानाम, येनांज सौल वणमुरु व्यसनम भवाब्धिम, निश्चे भवत गुण कथाम मृतपान मत्त। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, बोले नाथ मुझे आपकी भक्ति कैसे करनी है, बोले एक व्यसन की तरह करनी है। व्यसनी व्यक्ति बहाने ढूंढता है व्यसन करने के, ऐसे ही मैं भी बहाने ढूंढूं आपकी भक्ति करने के। हम लोग बहाना नहीं ढूंढते भक्ति करने का, तो इंतजार करते हैं आसपास कानपुर में कहीं कथा हो तो कथा सुनेंगे, कानपुर में कुछ ऐसी योजना बने जिससे हम ठाकुर जी को भज सकें तो हम भजेंगे। हम अपनी तरफ से प्रयास नहीं करते हैं, हम इंतजार करते हैं कि कुछ योजना बने तो हम करें। पर व्यसनी जो होता है ना, वो कभी इंतजार नहीं करता, वो हर स्थिति में प्रयास करता है, चोरी चुपके छुपके झूठ बोल के अपना व्यसन भोगता है। मैं कथा में बताया करता हूं कभी कभी व्यसनी व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है। अगर वो क्लास में फेल हो जाए कॉलेज में, तो दुख में गम में बेचारा अपना व्यसन भोगता है, भैया ये मत करने देना, अब नहीं हो बस। व्यसनी व्यक्ति कैसा होता है कि जैसे ही, मैं क्या बता रहा था, कॉलेज में फेल हो गया, तो फेल होते क्या होता है, दुख में गम में आ गया, इतना गम में आ गया मित्रों के साथ, चलो यार आज पी के आएंगे हम, तो यार फेल हो गए आज क्या करे, पीता है। और जिस दिन फर्स्ट डिवीजन पास हो गया, फर्स्ट रैंक पास हो गया, उस दिन खुशी में पीता है। कोई शादी ब्याह घर में हो तो उत्सव में पीता है। और कोई बेचारा मित्र विदेश चला गया छोड़ करके अकेला पढ़ने के लिए, तो उसके गम में पीता है। व्यसनी व्यक्ति केवल बहाने ढूंढता है अपने व्यसन को भोगने के। ऐसे ही भक्त होना चाहिए, भगवान नहीं करे कोई भक्त फेल हो, लेकिन फेल हो जाए तो भी फिर भजन करो। आज एक माला ज्यादा करेंगे, हम फेल हो गए, आज फर्स्ट रैंक पास हो गए, आज पांच माला ज्यादा करेंगे, आज हमारे बुआ की बेटी की शादी है, आज हम छह माला ज्यादा करेंगे। हमको जिससे प्रेम था आज उसी का ही ब्याह है, आज 20 माला ज्यादा करेंगे। गम में भजन ज्यादा करो, व्यसनी व्यक्ति की तरह भक्ति करो। जैसे व्यसनी व्यक्ति हर स्थिति में व्यसन की ओर भागता है, ऐसे ही भक्त का स्वरूप कैसा हो, हर स्थिति में ठाकुर जी की ओर भागे, ठाकुर जी की ओर भागे।
जैसे क्या होता है, बच्चे आपस में बात करते हैं तो शर्त लगाते हैं, हाँ भाई सुन देख अगर आज ऐसा हुआ तो फिर शाम को पार्टी देनी पड़ेगी तुझको। तो पार्टी में क्या करते हैं, बहुत ऊंच लेवल वाले व्यसनी होते हैं तो फिर व्यसन भोगते हैं, छोटे लेवल वाले होते हैं तो फिर कहीं बेचारे बाहर जाके कुछ खा जाते हैं। भक्त का स्वरूप कैसा होना चाहिए, देख भाई आज अगर भारत जीता तो रात में मैं और तू दोनों बैठेंगे 11-11 माला एक्स्ट्रा करेंगे आज अगर भारत जीता तो। वो बोला हार गया तो, बोले तो फिर 21-21 माला करेंगे, गम में ज्यादा करेंगे खुशी में थोड़ी कम कर लेंगे, लेकिन करेंगे। हर स्थिति में है क्या भजन, ये हम बोल रहे हैं आप सुनकर खुश हो रहे हो पर करेगा कोई नहीं ये बात मैं जानता हूं। लेकिन जिस दिन ऐसी स्थिति हो गई, ये वरदान मांगा है ध्रुव जी महाराज ने भगवान से कि महाराज एक व्यसन की तरह मेरे अंदर भक्ति आ जाए। जैसे एडिक्शन होता है किसी वस्तु का, व्यसनी व्यक्ति वो तंबाकू होता है ना, कभी तंबाकू एक तो होता है गुटका वाला और एक होता है ऐसे करके जो ये ऐसे मिटते हैं ना, उसको कभी गलती से सूंघ लेना आप, आपको मतलब ऐसा लगेगा कि जैसे कोई जानवर मर गया हो, बहुत दिन का सड़ गया हो, ऐसी उसमें से दुर्गंध आती है और खाने वाला व्यक्ति उसको चाव से खाता है, लेकर के ये बढ़िया होठ ऊपर करके बीच में दबा के 3-3 घंटा बैठा रहता है, उसको कितना स्वाद आता है उसमें। ऐसे ऐसे व्यसनी है महाराज हमारे ब्रजमंडल में, वैसे तो नहीं बताना चाहिए, हमारे ब्रजमंडल में एक मंजन करते हैं नशे का, इतना गंदा होता है, इतना गंदा होता है। आप कहोगे महाराज जी आपको कैसे पता, हम दुनिया में घूमते रहते हैं ना तो हमको पता है। अब भाई सब परिवार बड़े बड़े होते हैं, परिवार में एक आध लोग तो होते ही हैं करने वाले सब काम, तो उनको देखते हैं, देख करके फिर उनके पास देख के सब समझ में आती बातें। इतना इतना मतलब क्या बताएं, इतनी भयानक दुर्गंध होती है, अगर मैंने एक बार सूंघ ली थी तो 1 घंटा के लिए मूर्छित हो गया था मैं, 1 घंटा के लिए बेहोश हुआ था। और करने वाला व्यक्ति इतने चाव से करता है उसको कि मानो जैसे अमृत ले रहा हो, इतना आनंद में आ जाता है। अगर कोई व्यक्ति बीड़ी पीता हो, सिगरेट पीता हो, कथा में बैठा होगा ना, 3 घंटा बैठ नहीं सकता, वो आधा पौना घंटे में उठ के जाएगा, फिर बाहर जाके थोड़ी सी सिगरेट पी के फिर आ जाएगा, फिर कथा सुनेगा, फिर जाएगा, फिर आएगा। वो भले ही किसी बेचारे परिवार वाले के संगी आया होगा, व्यसनी व्यक्ति बैठता भी कम है कथा में, वो बैठ ही नहीं सकता, उसको व्यसन खींचता है। ऐसे ही भजन खींचे हमें, ऐसे ही ठाकुर जी का प्रेम खींचे हमें, ठाकुर जी की कथा खींचे हमें। भक्ति मुह प्रवहताम त्वयि मे प्रसंगो भूयाद अनंत महताम ममलाशयानाम येनांजसोल्वणमुरु व्यसनम भवाब्धिम निश्चे भवत गुण कथाम मृतपान मत्तः। तो भक्ति कैसी हो, एडिक्शन की तरह, वो लग जाए फिर छूट ना पाए, लाख कोशिश करने पर भी ना छूट पाए, लगी रहे। तो ये पता नहीं किस प्रश्न का उत्तर दिया था, हाँ घर वाले कहते हैं आडंबर है, बोलने दो, आपको तो वो व्यसन चढ़ा है, व्यसन तो चढ़ा ही रहता है। और घर वालों के लिए भी हमारे पास एक बात है, अरे कम से कम बच्चे आपके पी तो नहीं रहे, बच्चे आपके खा तो नहीं रहे, बच्चे आपके नाली में उल्टे तो नहीं पड़े, बच्चों को रात में उठा के तो नहीं लाना पड़ रहा है, बच्चे रात रात भर गोल तो नहीं हो रहे हैं, केवल ठाकुर जी के सामने बैठ के भजन कर रहे हैं। आजकल के माता पिताओं को ज्यादा कथा सुननी चाहिए, हमारी कथा में तो युवा ज्यादा आते हैं, माता पिताओं को ज्यादा सुननी चाहिए कथा, बच्चों को ले लेके आते महाराज जी आशीर्वाद दे दो, क्या ये ज्यादा ही भगत हो गया है, अच्छा क्या आशीर्वाद दें कि व्यसनी हो जाए।
माता पिता भी ये चाहते हैं कि वो ना तो भगत ही रहे ना वो व्यसनी रहे, बीच का रहे दोनों तरफ। एक जगह में एक कथा वहां पर बोले कि महाराज जी मेरे हमारे बच्चे को समझाओ, क्या सब लोग ठीक है परिवार में एक साथ रहते हैं, ये प्याज ही नहीं खाता। मैंने कहा ये चिंता है आपकी कि वो प्याज नहीं खाता, ये चिंता है आपकी? बोले कैसे रहेगा आगे, उसका ब्याह होगा, जीवन बहुत बड़ा है ये। मैंने कहा इसका मतलब आप क्या चाह रहे हैं? मैंने कहा ये अभी का समय, 100 साल बाद माता पिता गुरुजनों के पास बच्चों को लेके आएंगे, कहेंगे महाराज जिसको समझाई ना पीता ही नहीं है बिल्कुल भी, अभी ट्रेंड चल रहा है सब पीते हैं, ये क्यों नहीं पीता है? कितना भय, ये कलयुग नहीं है तो क्या है कि बच्चा सुधरा हुआ है तो माता पिता को चिंता है कि ये इतना क्यों सीधा है, इतना क्यों सुधरा हुआ है? तो क्या तेज होना चाहिए था, क्लेवर होना चाहिए था? सीधा है तो अच्छा है ना। अभी मैंने बहुत बदलाव देखा है, कोविड से पहले का समय, कोविड के बाद का समय, युवाओं में भक्ति अचानक से बहुत अच्छे से बढ़ रही है। अब कोविड से पहले माता पिता बच्चों को लेके आते थे, सुनते नहीं हमारी बात, बिल्कुल मानता नहीं, कथा में बैठता नहीं, भजन करता नहीं, मंदिर नहीं जाता। अब उल्टा हो रहा, अब माता पिता लाते हैं, बोले इसकी आए दिन जिद करता है वृंदावन चलो, तिलक लगा के कॉलेज जाता है महाराज जी, क्या बताएं आप इसको समझाओ, ये चिंता का विषय है भैया। यही कलयुग है कि एक समय ऐसा आएगा कि व्यसनी होना उसको लोग सामान्य मानेंगे और वैष्णव होना उसको लोग चिंता का विषय मान लेंगे कि वैष्णव कैसे हो गया। यही कलयुग है। कलयुग का स्वरूप क्या है? वो अच्छी चीजों को, सुधरी हुई चीजों को, भावमयी चीजों को, बढ़िया चीजों को धीरे धीरे हमको दूषित दिखाने लग जाता है। तो भैया माता पिताओं से हमारी प्रार्थना, बच्चे कम से कम आपके सुधरे हुए तो हैं, इसकी खुशी मनाओ, क्यों परेशान हो रहे हो? किसी का भाव है कि मेरे सामने अधर्म होता है तो भी मैं धर्म का साथ नहीं दे पाता, उस समय मेरी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? देखो शास्त्र आज्ञा करते हैं, अधर्म करने वाले से ज्यादा पापी वो जो अधर्म होते हुए देख रहा है। पर कब, अगर तुम्हारी सामर्थ्य थी उस अधर्म को रोकने की तो आपको रोकना चाहिए, और यदि आप कुछ नहीं कर सकते, आपको लगता है कि अधर्म हो रहा है पर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरी मैं कहूंगा तो कुछ होगा नहीं, तो फिर भगवान से प्रार्थना करके वहां से चले ही जाओ। लेकिन यदि आपको इतनी पीड़ा होती है तो आपको उठना चाहिए, उठ करके उस अधर्म को रोकने का प्रयास तो करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़ा बहुत आपका अपमान हो जाएगा, थोड़ा बहुत कुछ आपसे गलत बोल दिया जाएगा, लेकिन आपको स्टैंड तो लेना चाहिए, करना चाहिए। फिर किसी का भाव आया है, ये अंतिम प्रश्न है, फिर हम कथा में चलेंगे, कि महाराज जी दान ब्राह्मणों को करना चाहिए, दान वेदज्ञों को करना चाहिए, पर मेरा मन होता है कि मैं असहाय लोगों को, गरीबों को दान ज्यादा करता हूं। तो इसका मतलब देखो, सबसे पहली बात तो आपने एक ही कैटेगरी में ब्राह्मण और गरीब रख दिए, ये गलत है। ब्राह्मण को ऐसे चलते फिरते दान नहीं देना है। ब्राह्मण के लिए कैसा दान होना चाहिए? उनके लिए तो उनसे कुछ सुंदर अनुष्ठान कराओ, अनुष्ठान आदि करा करके, या फिर श्राद्ध पक्ष में आप प्रसाद आदि पवाते हैं, उसके बाद फिर कुछ उनको भेंट प्रदान करो। बाकी असहाय लोगों को तो आप नित्य प्रति कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ब्राह्मणों को दान देना एक अलग विषय है और असहाय की सहायता करना एक अलग विषय है। ब्राह्मण को दान देना पुण्य है और असहाय की सहायता करना परोपकार है, और परोपकार भी एक प्रकार का पुण्य ही होता है। इसलिए दोनों को सबसे पहले तो आप एक कैटेगरी में मत रखिए, वो अलग हैं। ब्राह्मण को जो आप देते हैं उससे आपके पितर, आप, आपका पूरा परिवार फलता है, फूलता है, समृद्ध होता है।
असहाय को जब आप देते हैं तो उसका आशीष मिलता है, उससे आपको शुभकामना मिलती है, वो फले नहीं फले वो उसके ऊपर निर्भर नहीं, पर ब्राह्मण का फलेगा। इसलिए असहायों की सहायता करना ही अच्छी बात है, पर ब्राह्मण को दान देना उसको इनको जोड़िए मत, वो अलग विषय है। तो इस प्रकार आज भी बहुत और भी कई प्रश्न हैं, पर हम सबको प्रणाम मात्र करते हैं। आज ठाकुर जी का जन्मोत्सव करना है कथा में, इसलिए हम प्रसंग में प्रवेश करते हुए आइए बड़े मंगल भाव से कथा का श्रवण करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। परीक्षित को श्राप लगा, सात दिन में मृत्यु का श्राप लगा। बहुत सावधानी से सुनिएगा सब लोग। परंतु परीक्षित जी महाराज इससे विचलित नहीं हुए। बंधुओं देखो एक मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। आध्यात्मिक व्यक्ति के कुछ लक्षण होते हैं, भक्ति पथिक व्यक्ति के कुछ लक्षण होते हैं कि वो कई बार सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को संभालना सीख जाता है। जो वैष्णव है, जो तिलक लगाता है, नाम जप करता है, कथा सुनता है, पर विपरीत स्थिति आती टूट जाता है, तो इसका मतलब उसके भजन में कोई कमी है। बहुत सावधानी से सुनिएगा सब लोग। नाविक नाव चलाता है, अब जब तक गंगा जी सीधी सीधी बह रही है, मौसम बिल्कुल साफ है, तब तक तो नाव बढ़िया चल रही है। जैसे ही मौसम खराब हुआ तो वो घबरा जाए, वो तो पतवार छोड़ दे, ओहो अब क्या करूंगा, अब तुम उससे चलेगी नहीं, अब तो मौसम खराब हो गया, भाव तेज हो गया। अरे तुम नाविक हो, तुमको अभ्यास अनुकूल परिस्थिति में नाव चलाने का नहीं होना चाहिए, तुमको अभ्यास प्रतिकूल परिस्थिति में नाव चलाने का होना चाहिए। गाड़ी का ड्राइवर सीधे सीधे रोड पर गाड़ी चलाना जानता है, लेकिन वो कहे ओहो मोड़ आ गया, अब मैं क्या करूं, मोड़ पर तो नहीं मुड़ सकता, मुझे तो सीधा रोड चाहिए। काय बात के ड्राइवर हो, ड्राइवर तो वो जो